भारत माता की जय। थैंक यू। लो भाई बुमला पास में बैठ के बता रहा हूँ, यहाँ की सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। भारत माता की जय। Morning from Tawang, and right now it's 6:30 in the morning, and the temperature is, let me show you guys how cold it is. It's -7 degrees. Snow showers. देखो मैं रात को जब सोया था ना, दो बेड थे, दो ब्लैंकेट और दो रजाई थी। तो एक ब्लैंकेट मैंने नीचे बिछा लिया था, एक ब्लैंकेट मैंने ऊपर डाल लिया था, उसके ऊपर एक रजाई। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। आइए मेरे अभी हाथ भी कांप रहे हैं वीडियो बनाते हुए, ऐसे लग रहा है कि कैमरा नीचे ही ना गिर जाए। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। चलो चलते हैं। मीट माई न्यू फ्रेंड लाकर। और यहाँ की पूरी कंडीशन देखो, वाओ अमेजिंग। गाड़ियाँ देखो भाई, आज लाकर मेरे साथ घूमेगा। -7 degrees में मैं सुबह सुबह बाहर आ गया हूँ। इट्स 6:41। लाकर को थोड़ी ठंड लग रही है पर कोई बात नहीं, लाकर एंजॉय करेगा। एंड द स्नो, लुक एट द कार्स। इन दोनों की लड़ाइयाँ होती है बहुत। ओए ये दोनों बहुत लड़ते हैं। लुक एट दिस, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल व्हाइट लैंड डिज्नी लैंड में आ गया हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को तो ये। ओके सो दिस इज द डिफेंस लैंड एंड दिस इज द जॉइंट बुद्धा स्टैचू। वाओ मैन, ऐसा लग रहा है मैं सपने में जी रहा हूँ। इधर देखो,
ये जो आप मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हो, वैसे तो इसका रास्ता देखो वहाँ से था, और यहाँ पे सारे ना बिल्कुल ही ऐसे स्लिपरी हो रखा है, और उधर भी जो एक छोटा छोटे स्टैचूज़ हैं और ऐसे कुछ फ्लैग लगे हुए हैं। मैं पीछे की साइड से आया हूँ शॉर्टकट से, क्योंकि वो मेरे बहुत नियर बाय था और वहाँ से थोड़ा सेफ़ था ना, जो मैंने आपको रूट अभी दिखाया था। बाकी अभी नीचे से सारे देखो क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं, ऊपर सारी फोग आ रही है, ऊपर आ रहे हैं सारे क्लाउड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है सब कुछ। और वो जो आप सामने देख रहे हो वो है मोनेस्ट्री, यहाँ की तवांग मोनेस्ट्री। अभी सुबह सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, अंडा मैगी। अंडा मैगी मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं लेट हो गया हूँ, मैं बाहर घूम रहा था, तो यहाँ पे भैया का ब्रेड वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, और यहाँ पे अभी ना रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी चल रही है क्योंकि वेदर कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर वाटर टैंक पूरा जम चुका था, तो सुबह सुबह तो ना पानी भी नहीं आ रहा था, तो अब थोड़ी सी धूप निकली तो ठीक हुआ। अब धूप पे मैंने कर्टन खोला है तो अब बादल आ गए हैं, फिर से धूप चली गई है, अब ऐसे चल रहा है, अभी थोड़ी देर में स्नोफॉल होने लग जाएगी और अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगा इस व्यू के साथ। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और इसका देखो मुंह, इसको भी आना था, इसकी शक्ल देखो। तो आगे सुबह ही चला गया, नहीं नहीं पहुंचा। पहले बोलने से भूल रखा था। हाँ, मैंने भैया को बोल रखा था पहले, थैंक यू सो मच। तो 10 बजे निकलना ना? नहीं, अभी पहुंच जाएगा गाड़ी, आप लोग तैयार रहिए। अच्छा, हो जाएगा ना भैया पक्का? हाँ, थैंक यू भैया, आप लोग तैयार रहिए, अभी गाड़ी कभी भी पहुंच सकता है, बस ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू बुमला पास। मेरे को और 5 लोग मिल गए हैं हमारे होटल से ही, और बुमला पास के रास्ते खुल गए हैं, परमिट के कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मैं फटाफट से अपना सामान पैक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को निकलना है, फटाफट से बुमला पास पहुंचना है, और ड्राइवर कभी भी आ सकता है, तो मैं फटाफट से फ्रेश अप हो लेता हूँ, सारा सामान पैक करता हूँ, फिर मिलते हैं बुमला पास के रास्ते में। यस, यहाँ से टोटल 35 किलोमीटर है बुमला पास, जो 1 to 2 hours की पूरी जर्नी है, मतलब पहुँचने की और वापस आने की। फिर वहाँ से कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ लेक्स हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे हम विजिट करेंगे। एंड राइट नाउ इट्स 9:56, हमारी टैक्सी नीचे आने वाली है, तो हम अभी नीचे निकल रहे हैं, और बस बाकी का सीन ऐसा ही है, हो सकता है कि हम 3 बजे तक वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे ये इस चीज़ का पूरी कार का चार्ज करते हैं 5500 rupees, और एक परमिट लगता है, सारी चीज़ें हो गई हैं, और जितने भी आप लोग हो, चाहे एक हो चाहे 5 हो, 5500। व्हाट्स योर नेम? नोरबू। हाँ, नोरबू। NORBU। नोरबू भैया के साथ जा रहे हैं हम इस कार में आज बुमला पास। कहाँ से बनता है पास? ये DC ऑफिस से बनता है। DC ऑफिस से? ये आर्मी का मोहर लगता है। अच्छा, आर्मी का मोहर। ओके, आर्मी का, हाँ आर्मी का फाइनल, और DC ऑफिस से पास भैया बनवा के लाए हैं। ओके, चल पड़े हम। वो कथा को बोला, फोन में बात कर रहा ना। सुबह 6 बजे पहुंच गए। सुबह 6 बजे? नहीं, शाम को 6 बजे पहुंच गए। बहुत बुरा हाल था कल। से हिंदी दे बैठी अपना अपना हिंदी तो बिया भागा भागा हिंदी तो बिया दे भागा भागा हिंदी। आप लोग तो हिंदी बहुत सामने, हम लोग तो कितना दूर है। असम, मणिपुर, मेघालय सब एक ही था। सब एक ही असम था। असम था, नेफा था पहले। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर एजेंसी, ओके। शिलोंग था कैपिटल, शिलोंग था। हां, बहुत पीछे हुआ। अच्छा, असम की कैपिटल थी शिलोंग। असम Thank you.
आगे पूरी मिलिट्री रुकी हुई है, वो भी चेंज मान रहे, फिर आगे चलेंगे। तो दादा हमें पंजाब आए আমি লগ পালো দেখাটো লগ পাই ভাল লাগে থ্যাংক ইউ বহুত ভাল লাগে বড়িয়া থ্যাংক ইউ আমি একলগে আহিছো জানিটো একলগে কৰি আছো আমি গুমলা কৰি আছো গুমলা গুমলা আচ্ছা লাগ ৰহা হে আচ্ছা লাগ ৰহা হে भैया ऐसा कह रहे हैं कि मेरे से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मेरे को समझ में आया, पर भैया लोकल में बता रहे हैं और फिर मेरे को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं सारी चीजें। बहुत अच्छा लग रहा है भैया को मिलकर। असम 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 जय हिंद असम जय हिंद असम जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। अच्छा लगा बहुत, इसको संभाल के रखूंगा। हां हां ये आपको दे दिया थैंक यू, इसके लेके आया था रूम से। अच्छा हाँ आपको देने के लिए थैंक यू से ले आया। ओके सो हमने यहाँ पे अभी काफ़ी सारा फोटोग्राफी सेशन करा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को इन्होंने पहनाया असम, ये सारे लोग असम से हैं। मफलर बहुत अच्छा लगा, गमछा, और यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है तो स्नो बिल्कुल ऐसे चमक रही है जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, देखो। ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गए, बहुत सुंदर है, बहुत इससे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसमें रोड नहीं दिख रहा। दिस इज़ बुमला पास एट 15,200 feet, और बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। यहाँ की सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, आप मेरे हाथ देख सकते हो अभी क्या हाल हो रहा है, ये देखो। यहाँ पे अभी टेम्परेचर -15 के अराउंड है, और मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, पर यहाँ पे देखो आगे ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसके बाद, तो वहाँ पे ना वो ना आर्मी वाले लेके जाते हैं साथ में, और पूरी की पूरी गाइडेंस देते हैं, जब भी पूरी यहाँ की हिस्ट्री है उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, पूरी हिस्ट्री का कैसे कैसे क्या चाइना वाइना पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे, सारे पासिस से रूबरू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, और उस फ्लैग के नीचे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, तो हमने वहाँ पर करी है। और बाकी अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, 15,200। भाई मैं कह रहा हूँ मस्ट विजिटेड प्लेस है ये, यहाँ पर किसको कभी मिस मत करना। मैं आज मिस कर रहा था, पर भाई वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं मिस कर रहा था, पर अब होता है भगवान भाई सब कुछ बढ़िया कराते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, शुक्र है कि मैं आ पाया।
थोड़ा वाइड एंगल पे दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। पीछे सारी चीज़ें बहुत कुछ सिखाई हमको आर्मी वालों ने, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं। अभी बहुत देर से स्नोफॉल हो रही है एंड द टाइम इज़ 1:26। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो भाई बुमला पास पे बैठ के बता रहा हूँ, बुमला पास बिल्कुल मिस मत कर। पीछे चाइना की आर्मी भी थी, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, पर वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। बस थोड़ा सा आपको एल्टीट्यूड का फील हो सकता है, मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा है, सिर में थोड़ा सा फील हो रहा है एल्टीट्यूड का, और मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी ना एग्जर्शन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप स्नो देख सकते हो कितनी है, बहुत ज़्यादा स्नो है। और अभी तो ये कम है, अभी तो यहाँ पे बढ़ेगी धीरे धीरे, तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे सीन, सही में मज़े। जिसको एपिलेप्सी हो, जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ कुछ हो, तो वो हो बुमला पास को अवॉइड करना। दैट्स ऑल अबाउट बुमला। यहाँ पे आप आर्मी के कुछ सामान भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, और अंदर में चाय मैगी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी और मैगी वगैरह मिलती है, हमने तो पी ली तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कैप, शूज़ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे अंदर आर्मी खुद अपनी सेल कर रही है। जस्ट मतलब मैं अभी स्नो में इतना कि मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है आप समझ गए ना, बस सब कुछ। हमारे उस्ताद तैयार है निकलने के लिए, अब निकलना पड़ेगा ना, बर्फ गिर रही है, 2 बजने वाला है, बर्फ ज़्यादा हो गया, मौसम ख़राब हो गया। अब ये गाड़ी लोग से आगे नहीं जाएगा ना, सभी लोग फंसेगा, हम लोग का तंग होगा। हाँ सही कह रहे हो, तो जो पूरी इन्होंने हिस्ट्री बताई है बहुत बढ़िया था, पूरी के पूरी अपना सारी चीज़ें बताई कि इनके शूज़ 22,000 के हैं, जैकेट 85, ऐसे सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि अब गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मतलब इनके लिए हाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रही हैं। पहले कम था। आप यहाँ पे कब से चला रहे हो गाड़ी? अभी तो मेरा तो हो गया 8-9 साल। 9 साल कहाँ के रहने वाले हो? तवांग। ये नीचे जो आप देख रहे हो ये पूरी लेक है, और ऐसे जितने भी प्लेन स्पोर्ट्स हैं वो सारी लेक है। पूरी लेक है, लेक। अभी मौसम काफी बिगड़ गया, हम तो सो गए थे, भैया गाड़ी चला रहे हैं जब से अकेले, और अभी चेन खोलने के लिए निकले हैं, चेन खोल रहे हैं अभी कार की, बाकी तब नींद खुली है सबकी। देखो उनको रे सुदे, थैंक यू भैया, थैंक यू। सही सलामत पहुंच गए आप, हाँ होटल है हमारा, आते ही स्नोफॉल भी हो रही है हमारे होटल पे। तो अभी रात के 9:33 हो गए हैं, तो जब से मैं आया हूँ तब से मैं बस सोने की कोशिश कर रहा था पर नहीं सो पाया, उसके बाद मैंने वॉमिट वगैरह करी है वहाँ पे, जो मैंने लास्ट जो मैगी खाई थी, और बीच में रास्ते में ऑरेंज वगैरह लेने थे वो भी नहीं लाया, अपना ड्राई फ्रूट भी नहीं लाया। कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस हर बार आपको बढ़िया मारता है, आज वो हो गया मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही, मैंने भैया को रिक्वेस्ट कर करके जनरेटर ऑन कराया, जनरेटर ऑन करके ये चला है हीटर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी -6 degrees है जो कि रात को भी -8 हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी, मतलब कि मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मैं उस चीज़ को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कहाँ से अभी निकला हूँ, बस ऐसा लग रहा था कि आज तो भाई आखिरी दिन है बस मेरा, मतलब मैं पानी तक नहीं उठा पा रहा था। यहाँ पे मेरा टेबल के ऊपर पानी रखा हुआ था जग का पूरा भरा हुआ, और उसको उठाने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया। मैं सोचता रहा उठूँ तो कैसे उठूँ, अभी भी देखो मैंने कितनी दो रजाई, 2 quilt और 1 blanket ले रखा है, और नीचे 1 blanket बिछा रखा है, तब भी मेरे को ठंड लग रही है। और पहले तो जैसे मैं काँप रहा था लिटरली, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ऐसा ना शिवर कर रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल अबाउट बुमला पास। वैसे बुमला पास की मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जो जो आर्मी वालों ने हमें बताई थी। बॉम का मतलब माउंटेन, ला का मतलब पास, तो उससे बना है बुमला पास। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये हिस्ट्री ना बताऊँ, और ऑनलाइन भी मत देखो, यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करो, और यहाँ के जो वो जो आर्मी है, जैसे आप कभी वाघा बॉर्डर गए हो
तो वाघा बॉर्डर में आपने जब वो जो आर्मी वाले जो होते हैं उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से एक ना पूरा जोश के साथ बताते हैं आपको, आपके अंदर भी ना ऐसे गूज बम्स आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे माहौल बनेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। पर अगर आप सुबह सुबह जाओगे तो, पर उसके बाद अगर वेदर ख़राब हो गया तो वो एंट्री नहीं देंगे, बोमला को विज़िट नहीं कराएंगे। पर अगर आप सुबह सुबह जाते हो सही टाइम पे, जैसे कि हम गए थे, तो आपको बहुत अच्छे से सारे चाइना बॉर्डर, चाइना पीक, ये सारी चीज़ें, चाइना की आर्मी देखने को मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो वो सब कुछ दिखाएंगे बहुत ही अच्छे से, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। एक और चीज़, बोमला अगर जाना है तो आपकी अपनी कार नहीं जा सकती, आपको यहाँ से रेंट पे सुमो करनी पड़ेगी।